वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहती हूँ कि भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी पूरी टीम ने, एसएससी मेकर की टीम ने 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिसमें ऐसी एक ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस वन लाइनर के 25 सेट और मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा रीजनेबल और बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्राइस है। ठीक है, 49 रुपीज़, मुझे लगता है सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप ये ई बुक को परचेज़ करिए, बाय करिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीरियसली गाइस ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बाय करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, बाय करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सब लोग इसको परचेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10th January 2020। हर साल 10 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, एम क्या है इसका, मार्क करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी को। ठीक है, जो कि हेल्ड की गई थी कौन से ईयर में, 1975 के दशक में। कौन प्राइम मिनिस्टर थी 1975 के टाइम में, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में रही थी। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और उनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो 1975 में पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये कब मनाना स्टार्ट हुआ था, 2006 से, 2006 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था, तो तब से हर साल ये मनाया जाता है। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कमेंट बॉक्स का, नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल हिंदी दिवस अलग दिन मनाया जाता है और इंटरनेशनल हिंदी दिवस अलग दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल हिंदी दिवस 10 तारीख को, 10 जनवरी को मनाया जाता है, और नेशनल हिंदी दिवस जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक का टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1800+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख चुना गया, तो इसके करेक्ट आंसर की हम लोग अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। ठीक है, उन्होंने CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। कौन से नंबर के ये महानिदेशक है, 28वें महानिदेशक हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान का 25वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात कर रहे हैं तो US राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें हाल फिलहाल में अमेरिका में कैपिटल विरोध प्रदर्शन 2021 के चलते 25वां संवैधानिक संशोधन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, ट्रंप समर्थकों ने US कैपिटल बिल्डिंग पर भी हमला किया, जिसका कारण ट्रंप का यह मानना है कि भैया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में धांधली हुई है। ठीक है, ट्रंप के वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, अमेरिका इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। जैसा कि आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा आए दिन 2-4-5 न्यूज़ तो अमेरिका से रिलेटेड आती ही रहती हैं, तो इसलिए अमेरिका के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अमेरिका का 25वां संविधान संशोधन ये बताता है कि भैया कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिस्थापित या सक्सीड किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा और राष्ट्रपति के इस हद तक असक्षम होने के बाद की बात स्पष्ट की गई है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को
पूरा करने में असमर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, 25वें अमेरिकी संवैधानिक संशोधन को 1965 में प्रस्तावित किया गया था और 1967 में राज्यों के द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगले प्रश्न की हम लोग अगर बात करें तो डॉक्टर राज अय्यर ने किस देश की सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। जी हाँ, भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिका की सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार को ग्रहण किया, पदभार को संभाला। इस पद पर वे अमेरिकी सेना के आईटी ऑपरेशंस के लिए लगभग $16 बिलियन के वार्षिक बजट का भी सुपरविजन करेंगे। उनका जो पद है वो 3-स्टार जनरल के समकक्ष होगा। वे अमेरिकी सेना को डिजिटली तौर पर सशक्त करने के मकसद से नीतियां और कार्यक्रम संबंधी निर्देश भी देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगले प्रश्न की हम लोग अगर बात करें तो किस मंत्रालय ने टीकों के परिवहन के लिए एयरलाइंस को दिशा निर्देश जारी किए। COVID-19 के टीके, अगर हम लोग बात करें COVID-19 के टीकों के परिवहन के लिए कौन से मंत्रालय ने एयरलाइंस और अन्य विमान ऑपरेटरों को दिशा निर्देश जारी किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्या, इसका करेक्ट आंसर है नागर विमानन महानिदेशालय। ठीक है, नागर विमानन महानिदेशालय इसका करेक्ट आंसर है। इसके मुताबिक खतरनाक सामान ले जाने के लिए ऑथोराइज्ड सभी अधिसूचित ऑपरेटर्स शुष्क बर्फ में पैक की गई COVID-19 वैक्सीन का परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें रेगुलेटरी जरूरतों का भी पालन करना होगा। अगर हम लोग बात करें DGCA मतलब कि नागर विमानन महानिदेशालय के सर्कुलर में ऐसा बताया गया कि भैया शुष्क बर्फ -8 डिग्री सेल्सियस से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतराल के साथ वैक्सीन का परिवहन करने में भी सक्षम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है डी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की हम लोग अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सी एयरलाइन अल्ट्रा वायलेट रोबोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एयर इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स इस चीज़ का, इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ये इम्पोर्टेंट आने वाले टाइम में ये मतलब आईओटी के बारे में मेरे ख्याल से किसी को पता हो या ना पता हो, मेरे ख्याल से सबने सुना ही होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये उसी का एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें रोबोटिक्स की डिमांड होती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स बनाए जाते हैं, उस टाइप की चीज़ें होती हैं, साइंस से रिलेटेड ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अब लाया जा रहा है। ठीक है, तो एयर इंडिया की एयरलाइन ऐसी बनी है, कौन सी, मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी एयरलाइन अल्ट्रा वायलेट रोबोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी, पहली एयरलाइन कौन सी बनी, एयर इंडिया। यहाँ पर ये बेसिकली सैनिटाइजेशन के लिए, डिसइंफेक्टेड के लिए यूज़ की जाएगी। रोबोट के थ्रू एयर पूरी इस फ्लाइट में, पूरे इस प्लेन में डिसइंफेक्ट किया जाएगा रोबोट्स के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रोबोट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगले प्रश्न की हम लोग अगर बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांगुई, बांगुई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी कौन सी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी बांगुई है। ठीक है, बांगुई इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी, साथ के साथ ये लार्जेस्ट सिटी भी है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। ये मैप आप लोग देख पा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ये लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका की, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं इस कंट्री की, तो फ्रेंच और सेंगो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। एट्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में।
ठीक है। वैसे भी आपको पता है जम्मू कश्मीर का सेंसिटिव जोन कितना ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के वजह से जो भी चीज़ न्यूज़ में आए, जो भी चीज़ हेडलाइन बने, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। चलिए मूव करते हैं क्विक रिवीजन की साइड। क्विक रिवीजन की अगर हम लोग बात करें, फतेह वन का यह पाकिस्तान, फतेह वन यह पाकिस्तान की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है, ठीक है। कृषि संजीवनी वाहनों को हरी झंडी देकर कर्नाटक के द्वारा दिखाई गई, ठीक है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 26वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो ये कौन से डेट तक मनाया जाएगा, कौन सा फेस्टिवल? कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसकी डेट्स मेंशन करके लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी नियुक्त किए गए हैं। पंजाब ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की गई है। फ्रांस के साथ भारत ने अपनी वार्षिक रणनीति वार्ता को संपन्न किया। FAO ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखे थे, मैंने जो कल के वीडियो के बीच में क्वेश्चंस पूछे थे उनके बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखे थे, ठीक है। तो आज भी आप लोग लिखिएगा जो भी मैंने वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछे हैं। और FAO के हेडक्वार्टर मैंने पूछा था, मुझे अभी याद आया, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका भी करेक्ट आंसर लिखा था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कल के प्रश्न की, तो कल का प्रश्न क्या था, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, तो ये 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। मैंने थीम भी लिखने को कहा था, आप लोगों ने लिखा था। थीम क्या है इसका? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और एक और चीज़, मैंने एक ऐप के बारे में भी कल बात करी थी, तो सभी बच्चों ने लगभग नाम सही लिखा था, सिग्नल ऐप। जी हाँ, सिग्नल ऐप, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर लिखते हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भाई मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर आंसर लिखिएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आज का क्वेश्चन क्या कहता है, डैश के द्वारा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान शुरू किया जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 1800 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ याद दिला देती हूँ भाई कि भाई आप लोगों ना पीडीएफ की अगर हम लोग बात करें तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ने टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक डाउनलोड ना ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।